आप सभी से एक ही बात कहना चाहता हूं, बॉयकॉट फेक सेल, बॉयकॉट फ्लैश सेल और बॉयकॉट चाइनीज ब्रांड्स। आज Xiaomi नंबर वन ब्रांड है आपके लिए, मेरे लिए, आप जनता के लिए। आज Xiaomi नंबर वन ब्रांड तो हो चुका है पर लूट रहा है आपको, मुझे और आम जनता को। मानता हूं स्पेक्स अच्छा देता है, प्राइस अच्छा करता है, पर अभी वो दिन गया। अब ये जो Xiaomi, ये जो ब्रांड नंबर वन ब्रांड है, ये आपके साथ, मेरे साथ, हर एक आम जनता के साथ गलत कर रहा है। चाहे वो प्राइस को लेकर, चाहे वो फ्लैश सेल को लेकर, और हर एक चीज Xiaomi गलत कर रहा है। आगे सब कुछ डिस्क्लोज करूंगा, देखते रहिए। मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे हो गैजेट्स वाला। तो चलून करबो ना आर देरी, शुरू करी ताड़ाताड़ी। अच्छा स्पेक्स और अच्छा प्राइस देने से कोई नंबर वन ब्रांड नहीं बन सकता है। आफ्टर सेल्स सर्विस ये भी कोई काम का चीज होता है। और आप जब से इंडिया में सेल्स स्टार्ट किए हो, आपके जर्नी स्टार्ट किए हो, काफी अच्छे थे आप, पर उसके बाद दिन बढ़ता गया, दिन बीतता गया और आप आपके असली रंग में आ चुके हो। आपने काफी अच्छा स्पेक्स दिया, आप प्रॉफिट कम करते हो और आप अच्छे प्राइस में फोन लॉन्च करते थे। आज दिन अलग हो चुका है। ये जो Xiaomi, ये गलत कर रहा है, चाहे वो Redmi Note 9 Pro के साथ हो, Redmi Note 9 Pro Max, Poco X2, Redmi Note 8 Pro, हर एक प्रोडक्ट के साथ ये गलत कर रहा है आम जनता के साथ। चाहे वो प्राइस हाइक को लेकर हो, चाहे वो फेक सेल को लेकर हो, चाहे वो जो फ्लैश सेल उसको लेकर। दोस्तों आप भी मेरे साथ सहमत हो गए और कहीं ना कहीं आपको अगर लगता है हां आपका सुमन भाई ये सही ट्रैक में जा रहा है, तो एक लाइक बनता है और सब्सक्राइब जरूर करना, इस तरह का अनबायस वीडियो लेके आऊंगा। और शेयर जरूर करना, कमेंट्स जरूर करना, आपका एक कमेंट्स मुझे बहुत ज्यादा हिम्मत देता है। बॉयकॉट करना चाहिए ये जो चाइनीज ब्रांड, इस सभी ब्रांड्स को। जानता हूं ये कठिन है क्योंकि इंडिया में उस तरह का ब्रांड नहीं है जो आपको ये चाइनीज ब्रांड देता है। सिर्फ मेक इन इंडिया से ही नाम नहीं करा जा सकता, सिर्फ मेक इन इंडिया से काम नहीं बनता है, ऑनेस्ट रहना चाहिए। Xiaomi का फ्लैश सेल आया था, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max और इस दोनों ही फोन में आप जानते हो एक फेक सेल हुआ था। अब जब Redmi Note 9 Pro का सेल हुआ था, जब मैंने पेज ओपन किया तो भाई Amazon का जो साइट है वो क्रैश हो रहा था, एरर दिखा रहा था। और जब जाके 4-5 बार के बाद जब ये ठीक हुआ तो ये आउट ऑफ स्टॉक था। ऐसा हालत हुआ था जब Redmi Note 9 Pro का सेल आया था, तकरीबन 5-6 बार तो सेल आया था और उसमें 4GB 64GB वाला वेरिएंट नहीं था, उसमें कलर्स वेरिएंट नहीं था, सिर्फ 6GB और 128GB वाला वेरिएंट था। आपको, आपके पास उतना पैसा नहीं है, कस से होता है ये पैसा, अर्न किया जा सकता है, आपके पास बहुत कस से आपका अर्निंग है और आप चाहते हो वो उतना इन्वेस्ट ना करना, पर आपको तो वो करना ही होगा क्योंकि Xiaomi आपको हर एक वेरिएंट नहीं देगा, आपको हर एक कलर्स नहीं देगा। Redmi Note 9 Pro Max का सेल बहुत दिन बाद आया और 2 बार ही सेल में फेक सेल किया गया। Redmi Note 9 Pro Max का जो पहला सेल आया था लॉकडाउन के बाद, उसमें जो 6GB 64GB वो वाला वेरिएंट नहीं था। तो आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आपको एनी हाउ वही खरीदना है जो आपको Xiaomi प्रोवाइड कर रहा है, मिस्टर मनु जैन प्रोवाइड कर रहा है। बा भाई बा, अच्छा इकोनॉमिकल सिचुएशन आपने क्रिएट किया है, अच्छा ऑप्शन डाउन आपने बनाया है। Redmi Note 9 Pro Max का जो लास्ट सेल था उसमें आप जानते हो कितना फेक सेल हुआ। अब पेज बार बार एरर दिखा रहा था, पेज यहां पे आपका जो ओपन वो नहीं हो रहा था और जब 5-6 बार बाद आप ओपन कर रहे हो तो वो आउट ऑफ स्टॉक। इवन मी का जो ऑफिशियल साइट है उसमें भी सेम चीज, आउट ऑफ स्टॉक, नोटिफाई मी। अब बंदे को नोटिफाई करके फायदा क्या होगा, आपके हर एक सेल में यही होता है। लास्ट टाइम देखा था Redmi Note 5 Pro के साथ ऐसा हुआ था और इसीलिए ब्लैक मार्केटिंग इतना होता है, अब बढ़ावा दे रहे हो। तो Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max 1-2 सेकंड के लिए था
और भाई फोन उतना अच्छा भी नहीं है अगर कंपटीशन को अगर आप देखोगे, फिर भी ये इतना हाइप क्रिएट किया जा रहा है। लॉकडाउन से पहले जितना स्टॉक था उतना स्टॉक लॉकडाउन के बाद जब आप सेल कर रहे हो, क्यों कम कम करके आप सेल कर रहे हो, क्यों इतना फेक सेल का हाइप क्रिएट कर रहे हो? तो दोस्तों ये जो फेक सेल है इससे बच के रहिए। अब और एक बात, ये जो प्राइस हाइक किया है Xiaomi ने, ये एकदम टॉप लेवल का ड्रामा है। जो पोको X2 लॉन्च हुआ था 16,000 और 17,000 पे, उसके बाद 17,000 और 18,000 करके इसका प्राइस हाइक हुआ। एक बार तो 17,499 रुपीस में ये हुआ था, उसके बाद आज देखो 18,499, क्योंकि Xiaomi जानता है जिस प्राइस में ये आपको प्रोवाइड करेगा आप वही खरीदोगे। क्यों? क्योंकि ये Xiaomi है, नंबर वन ब्रांड है। 18% जीएसटी यहां पे हां हुआ है, पर इतना ज्यादा प्राइस कौन करता है? आप एक बार प्राइस सेट करते हो उसके बाद फिर से प्राइस हाइक करते हो, एक बार सेट करते हो एक बार हाइक करते हो, वाह भाई वाह, और कोई ब्रांड तो नहीं है, आप एक लौता ब्रांड हो जो आप ये कर रहे हो। Redmi Note 8 Pro जो अभी 15,000-16,000 इससे बिक रहा है, Redmi Note 9 Pro इसका भी प्राइस हाइक हुआ है 14,000, Redmi Note 9 Pro Max इसका भी प्राइस हाइक हुआ है 16,499 रुपीस, और इस प्राइस में ये जस्टिफाई नहीं करता है। पर अब ये जो फेक सेल, ये जो फ्लैश सेल क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जानते हो Xiaomi का और दो स्मार्टफोन है, एक तो Poco X2 और दूसरा Redmi Note 8 Pro। अभी Poco X2 आपको नहीं मिलेगा भाई, Redmi Note 8 Pro को तो सेल करना है, अभी वो अवेलेबल है। अभी Redmi Note 9 Pro और Max को थोड़ा सा डाउन करना है ताकि Redmi Note 8 Pro बिक जाए और जो Poco X2 उसका हाइप क्रिएट किया जाए उसके बाद उसको भी सेल किया जाए। इसीलिए Redmi Note 9 Pro और Max का सेल ऐसा फेक सेल हो रहा है। कितने लोगों को मिला है हर एक वेरिएंट, आप कमेंट्स करो। कितने लोगों को जो लास्ट सेल था Redmi Note 9 Pro Max का मिला है, कितने लोगों को Redmi Note 9 Pro मिला है लास्ट सेल में, आप बताओ। Xiaomi फैंस, फैंस होना बहुत ही अच्छा है, पर थोड़ा सा आपका दिमाग लगाओ और देखो क्या हो रहा है। इस तरह का प्राइस हाइक, इस तरह का फ्लैश सेल कोई नहीं करता है, और कहीं ना कहीं ये Xiaomi जो ब्लैक मार्केटिंग इसको हाइक भी कर रहा है, और ब्लैक मार्केटिंग से Xiaomi का जो प्रॉफिट वो Xiaomi को ही जा रहा है। तो दोस्तों एक ही बात कहना था, ये जो चाइनीज ब्रांड स्पेशली Xiaomi जो कर रहा है ये गलत हो रहा है, और हम जो जनता इनको नंबर वन के हैं वही आज लूटे जा रहे हैं। जस्ट रिक्वेस्ट टू Xiaomi एंड मिस्टर मनु जैन, ऐसा मत कीजिए, आपके स्मार्टफोन बहुत अच्छे होता है और आपके ऊपर विश्वास भी सबसे ज्यादा करते हैं लोग। ऐसा फेक सेल, ऐसा फ्लैश सेल, प्राइस हाइक का ये घटिया खिलौना मत कीजिए, और कहीं ना कहीं आप ब्लैक मार्केटिंग को भी यहां पे बढ़ावा दे रहे हो। तो भाई बी केयरफुल। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।